अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.4 यानी क्वेश्चन नंबर 6 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने क्या कहा, एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रेंगल एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। आगे क्वेश्चन इन्होंने ये कहा, एक्सप्लेन व्हाई ओ इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी। यानी क्वेश्चन इन्होंने ये कहा, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है तथा ओ समकोण की समभुजा का मध्य बिंदु है। आगे क्वेश्चन इन्होंने ये कहा, बताइए कैसे ओ बिंदु ए बी तथा सी से बराबर दूरी पर स्थित है। आगे क्वेश्चन इन्होंने ये कहा, द डॉटेड लाइन और ड्रॉ आइडेंटली टू हेल्प यू। यानी क्वेश्चन इन्होंने ये कहा, बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी मदद के लिए खींची गई हैं। तो जैसा कि देखिए फिगर के माध्यम से हम बताते हैं, यहाँ पे देखिए एक आपका क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है, ए बी सी। आपको बताना क्या है, हम बता देते हैं। आपको ये बताना है एक रेक्टेंगल में कितने ट्रेंगल है, कितने डायगोनल्स हैं, और रेक्टेंगल के बीच में कितने दूरी पर मतलब स्थित ये ओ पॉइंट्स है यानी मिड पॉइंट्स है। फिर से आपको एक बार और बता देते हैं, आपको क्या बताना है इसमें, एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल में आपको बताना है कितने ट्रेंगल बन रहे हैं, कितने डायगोनल्स हैं, और ये जो हमारा मिड पॉइंट है यानी ओ, वो कितने दूरी पर यानी कितने डिस्टेंस पर स्थित है, आपको यही लिखना है। तो चलिए हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए हम फिगर के माध्यम से बता देते हैं, एक हमारा रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल में हमारे कितने ट्रेंगल बन रहे हैं हम बता देते हैं। दो ट्रेंगल बन रहे हैं, कौन कौन सा, ए बी सी, एक ट्रेंगल हमारा बना। दूसरा ट्रेंगल हमारा कौन सा बन रहा है, ए डी सी, ये हमारा दूसरा क्या बना, ट्रेंगल बना, यानी एक रेक्टेंगल में दो ट्रेंगल बने। और हमारा डायगोनल यानी विकर्ण कितने बन रहे हैं हम बता देते हैं। पहला विकर्ण बन रहा है आपका ए सी और दूसरा बन रहा है हमारा क्या, बी डी। और यहाँ पे ध्यान दीजिए जो हमारा मिड पॉइंट है यानी ओ, यानी किसका, यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल का ए बी सी, तो ये रेक्टेंगल के बीच में हमारा क्या है, मिड पॉइंट, यानी कितने पे है, समान दूरी पे, हमें यही लिखना है। चलिए लिखकर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम सिंस टू राइट ट्रेंगल मेक अ रेक्टेंगल वेयर ओ इज इक्विडिस्टेंस इक्विडिस्टेंट पॉइंट, यहां पे लिखेंगे पॉइंट्स फ्रॉम ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी बिकॉज ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आगे लिखेंगे हम सिंस ए सी एंड यहां लिखेंगे बी डी आर इक्वल डायगोनल्स इक्वल डायगोनल्स एंड इंटरसेक्ट एट, यहां लिखेंगे हम मिड पॉइंट
So, O is the equidistant from A, B, C and D. तो चलिए हम फिगर के माध्यम से हम बता देते हैं। देखिए, एक हमारा रेक्टेंगल बन रहा है, एक रेक्टेंगल में राइट ट्रेंगल बन रहा है, कौन कौन सा? ए बी सी। एक हमारा ये बना और दूसरा बना ए डी सी, यानी एक रेक्टेंगल में दो ट्रेंगल हमारा बना, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक रेक्टेंगल में हमारा मिड पॉइंट कहाँ बन रहा है? ओ, यहाँ बन रहा है, यानी बीच सेंटर में हमारा क्या बन रहा है? मिड पॉइंट बन रहा है। और दो हमारे डायग्राम्स बन रहे, कौन कौन सा? एक बना हमारा ए सी और दूसरा बना बी डी। हमें यही लिखना था, यानी ये क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक हमारा डायगोनल AC इस साइड से इंटरसेक्ट कर रहा है और BD इस साइड से इंटरसेक्ट कर रहा है। हमने यही लिखा है और यही बताना था आपको। हिंदी मीडियम लिखेंगे यहां पे, यहां दो समकोण त्रिभुज ए बी सी और दूसरा क्या मिला? ए डी सी एक आयत बनाते हैं। यानी कहने का मतलब ये, दो ट्रेंगल है, ठीक है, दोनों ट्रेंगल मिलाकर एक हमारे क्या बनाते हैं? आयत बनाते हैं। यानी राइट ट्रेंगल जो है दो, यानी टू, यहां पे देखिए लिखा गया है टू राइट ट्रेंगल, यानी दो ट्रेंगल है, एक हमारे दोनों मिलाकर हमें क्या कर रहे हैं? एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। आगे लिखेंगे जिसमें ओ, यहां लिखेंगे विकर्णों का समद्विभाजक बिंदु है, क्योंकि AC और BD विकर्ण है। तो देखिए, जैसा कि फिगर के माध्यम से बताते हैं, O जो हमारा है विकर्णों क्या कर रहा है? समद्विभाजक कर रहा है, यानी बांट रहा है अलग अलग। और इसमें हमारे जो विकर्ण बन रहे हैं, कौन कौन सा बन रहा है? एक बन रहा है हमारा AC और दूसरा विकर्ण बन रहा है BD। आगे लिखेंगे हम, बता देते हैं यहां पे, देखिए, और एक दूसरे को समद्विभाजक करते हैं, अतः ओ बिंदु ए कोमा बी कोमा सी, उसके बाद लिखेंगे तथा डी से समान दूरी पर स्थित है। यानी कहने का मतलब ये फिगर के माध्यम से आपको बताते हैं। देखिए, इसमें दो क्या है? विकर्ण है, कौन कौन सा है? AC एक है और दूसरा है BD, और एक हमारा ये क्या बना रहे हैं? मतलब आयत बना रहे हैं, ABCD। ये हमारे क्या मिल गए? आयत मिल गए, यानी दो त्रिभुज मिलकर एक हमारा आयत बना रहे हैं। कौन कौन सा? देखिए, पहला त्रिभुज मिला ABC, दूसरा मिला ADC, यानी दोनों त्रिभुज मिलकर एक आयत बना रहे हैं। और यहां पे देखिए, जो हमारा ये हमारा डिस्टेंस है किसका? O का, यानी O जो बिंदु है ABCD, इन चारों के बीच में हमारा क्या है? O बिंदु है। तो ये क्या है? चारों के बीच में समान दूरी पे क्या है? स्थित है। हमें यही लिखना था, क्वेश्चन में यही पूछा गया था। बस ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। दैट्स इट।